अपने पैडी लैंड्स में जहां धान का खेती होता है। ये बताने वाला हूँ इस साल का खेती का हाल चाल। का खेत है जहाँ पे मैंने धान किया हुआ है और काफ़ी आपको वीक लग रहा होगा यहाँ का खेती क्योंकि इस साल बारिश नहीं है। 15 दिन हो चुके हैं ये धान को लगाए हुए और रिजल्ट ये है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। कुछ खास नहीं लग रहा है क्योंकि अभी 15-20 दिन से कोई बारिश नहीं है। तो लकी है क्योंकि हम लोग के पास में कैनल जैसी सुविधा है जहाँ पर डैम से पानी आता है और हम लोग आराम से सिंचाई कर लेते हैं। और इस बार हो सकता है बारिश ना आए लेकिन डैम का पानी जो है वो आएगा और लोगों का खेती बर्बाद नहीं होगा। अरे में हम देखें तो आमतौर पर पे इंडिया पे दो तरह की खेती होती है, एक खरीफ फसल एक रबी फसल। खरीफ फसल में बेसिकली दो तरह से धान लगाया जाता है और लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एक खड़री बुना होता है और एक रोपा होता है। बुना उसे कहते हैं जो पहली बारिश जब आती है तभी ट्रैक्टर से उसको हल करके उसको हल चला करके उसमें धान बुना जाता है, फिर जब बारिश होती है तो उसमें से वो धान निकल आते हैं। रोपा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि अलग से उसे रोपना पड़ता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे चार बीड़ा है, चार बीड़ा यानी कि चार क्यारी यहाँ पे है, चार नहीं पांच है सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5 क्यारी है और हर क्यारी में 2-2 किलो के धान लगाए हुए हैं, यानी कि एक क्यारी से 2 एकड़ जगह में धान लग सकता है। अरे ये हाइब्रिड धान है और आपको बता दूं कि 1 किलो पूरे 1 एकड़ में लग सकता है। ये बारिश सीजन का फसल है लेकिन अगर बारिश ना हो तो आपको इस तरह से अलग से सिंचाई करना पड़ता है। क्योंकि यादों को समेटने के लिए वीडियो बनाता हूँ और अपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज कमेंट। हैव अ गुड डे।